इस पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंडिया न्यूज की खबर के असर के साथ। हरियाणा के रेवाड़ी अंचल पर बैठी छात्राओं की मांग आखिरकार हरियाणा सरकार ने मान ली है और स्कूल को अपग्रेड करने का फैसला किया है। खट्टर सरकार इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। अनशन पर बैठी छात्राएं अपने गांव के स्कूल को 12वीं तक करने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर है। छात्राओं के मुताबिक उन्हें 12वीं की पढ़ाई के लिए पास के स्कूल जाना पड़ता है जो करीब 3 किलोमीटर दूर है उनके गांव से। नोटिफिकेशन जारी करेगी। अनशन पर बैठी छात्राएं अपने गांव के स्कूल को 12वीं तक करने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर है। छात्राओं के मुताबिक उन्हें 12वीं की पढ़ाई के लिए पास के स्कूल जाना पड़ता है जो करीब 3 किलोमीटर दूर है उनके गांव से। इस रास्ते में उन्हें मनचले छेड़ते हैं, उन्हें छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। छात्राओं की मांग है कि उनके गांव के ही स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई हो ताकि उन्हें मनचलों का सामना न करना पड़े। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इंडिया न्यूज ने इस खबर को जोर शोर से दिखाया, प्रमुखता से दिखाया और आखिरकार इस खबर का असर हुआ है। छात्राओं ने नोटिफिकेशन की कॉपी मांगी है। रेवाड़ी में पिछले 8 दिनों से छात्राओं का अनशन जारी था। मांग ये थी कि गांव के ही स्कूल को 12वीं तक कर दिया जाए। फिलहाल इस स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई होती थी लेकिन 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें पास के स्कूल में जाना पड़ता था जो कि उनके गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इस दौरान उन्हें छेड़खानी का सामना करना पड़ता था। बाबू, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपकी पूरी मांगे मानते हैं और आप धरने से उठ जाइए। ठीक है, अगर वो हमें लिख के दे देते आप रेडिएशन लेटर विद फर्स्ट तो हम उठ लेंगे। पर जो इन लड़कियों का हाल हो रहा है ना 8 दिन में, जो उन्होंने सुनवाई नहीं की वो बहुत बुरा था। ये दिन हमारे लिए ऐसे नहीं कटे। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारी डिमांड इतनी बड़ी भी नहीं, हम धंधोले तो मांग नहीं रहे, हम सिर्फ 2 क्लास ही तो मांग रहे हैं कि हमारा स्कूल प्लस टू तो कर दो। यहाँ पे बिल्डिंग भी उपलब्ध है, सिर्फ हम चाहते हैं कि लिखी तो दे दो, विद पोस्ट हमें दे दो। अच्छा, स्कूल से कितना दूर है गाँव? हमारे स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा, कैसे आती है? हम पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं। जाने आने में दिक्कत? हाँ, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। अच्छा, आपने कहीं शिकायत भी किया था पहले? हमने अपने माँ बापों को शिकायत की थी, माँ बाप पुलिस को शिकायत करते नहीं क्योंकि हरियाणा में लड़की की बहुत इज्जत होती है। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए पर हम यहाँ से नहीं हिलेंगे तब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा। मान ली गई, आकर यहाँ पर लिखित में दे दो और हमें क्या चाहिए बताए? ऐसे कहने से थोड़ी ना होगा, पता नहीं कहे तो क्या क्या देते हैं। हम तो टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़े हैं 8 दिन से अपनी बच्चियों के साथ भूखे पिसाए, हम भी हमने भी खाना नहीं खाया, हमारा चूल्हा तक नहीं जल रहा, हमारे घरों पर क्या हो रहा है काम सब कोई। लेकिन हम तो हमारी बेटियों के साथ यहीं पर जब तक ये उठेंगे नहीं यहीं पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री आए और लिखित में दे तब तक हमारी लड़कियां उठेंगी नहीं हम उठेंगे। अब माँ बाप तीन के साथ है, हमारी बेटी हमारा भविष्य है, तब लड़की पढ़ेगी तभी बढ़ेगा आगे इंडिया। उनका कहना है कि हम एक प्रतिनिधि भेज रहे हैं, यहाँ पे भेज दो कोई लिखित में आ जाए हम उठ लेंगे। हमारी बेटियों क्या देख रहे हो हालात, एक कभी कोई एम्बुलेंस में जा रही कभी कोई, ये सुनाई नहीं दे रहा क्या उनको? कुर्सी छोड़कर तब तो चले आते हैं जब उनको वोट चाहिए, जब तो माता जी बहन जी हाथ जोड़कर पैर पकड़कर, जब तो उनको सीट चाहिए। और अब हमारी लड़की अपनी मांग कर रही है तो राजनीति बोल रहे हैं, क्या बोल रहे राजनीति? क्या उनकी सीट चाहिए? हमारी लड़की कुर्सी नहीं मांग रही है, अपनी पढ़ाई मांग रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने हक सबको चाहिए। ये खबर जरूर आई है कि सरकार ने मांग मान ली है, नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है लेकिन छात्राएं अनशन अभी नहीं खत्म कर रही हैं। उनकी मांग है कि सरकार आए यहां पर लिखित तौर पर दे, इसके बाद वो अनशन खत्म करेंगी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल रेवाड़ी पहुंच चुका है, वहां पर मुलाकात करेगा जो बच्ची अनशन पर बैठी हुई है। इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर है कि 12वीं तक अनशन पर बैठी छात्राओं का स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। फिलहाल सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा हुआ है। विपिन परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, क्या अपडेट है? प्रतिनिधिमंडल सरकार का कोई पहुंचा है वहां पर? और बच्चियों के स्वास्थ्य की हमको चिंता है और सारी चीजों पे नजर रखी हुई है और उनके स्वास्थ्य का हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, सरकार सारा ध्यान रख रही है। आप भी अपनी रोटी यहाँ सेकने के लिए? ऐसा है कि वो रोटी सेकेंगे या सब्जी बनाएंगे, वो अभी समय के साथ सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आपको यहाँ जो है यदि नहीं आते तो आपका विषय रहता है कि कोई आया नहीं, केंद्र से सरकार से आया नहीं, पार्टी से आया नहीं,
आए हैं तो आप लोगों का सवाल होता है कि रोटी सेकने सब्जी बनाने आ गए अपने आप वो हुआ है, प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया में समय लगेगा, हो सकता है दो दिन का समय और भी लगने वाला हो, तीन दिन का समय लगने वाला हो। ये कोई कौन हल्के के विधायक विक्रम जी, विक्रम जी जो कह के गए वो कह के गए उठो तो उठो नहीं मरो, ऐसा है कि ऐसा 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 कोई विधायक ने क्या कहा मुझे नहीं पता, ना ऐसा कोई ना ऐसा कोई संवेदनशील विधायक नहीं कह सकता, संवेदनशील ऐसा है कि लेट कोई लेट नहीं लगा है, बराबर हमारे नेता हमारा प्रशासन हमारे विधायक यहाँ लोगों के बीच में बराबर संपर्क में है, एक 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 मिनट की बात हम लोगों की जानकारी में है, ऐसा नहीं कि हम लेट हैं। 7 दिन लगे आप लोगों को भाई, 7 दिन क्यों लगे, हमारे विधायक तो आज से 4 दिन 5 दिन पहले आके चले गए, पार्टी के दूसरे नेता भी तो हमारे हमारा ऐसा है कि जो मांग है अपनी मांग अपनी पार्टी के नेताओं को सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं और उसी की परिणति ठीक होने वाली है। छोटी छोटी बच्चियां हैं ये, उनका भी ये कहना है कि पैसे नहीं मांग रही है, उनका सिर्फ 11 और 12 मांग रही है, उसके बावजूद भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। श्याम, दो बातें बताइए, इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन था, क्या वहां पर बातचीत हुई है, ये अपडेट दीजिए पहले। देखिए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं, एसडीएम भी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर रेवाड़ी के एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जो छात्राएं हैं वो अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, रिटर्न जो है इनकी मांग है वो रिटर्न में लेना चाहती है, मौखिक आश्वासन पर ये किसी प्रकार में भी सहमत नहीं हो पा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कल रेवाड़ी के अंदर सीएम आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम है, उनका एनुअल फंक्शन है, वहां मौजूद रहेंगे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, और रामविलास शर्मा को भी ये ज्ञापन सौंपेंगे, और यदि रामविलास शर्मा ने और मुख्यमंत्री ने यदि इन्हें उसी समय ऐलान नहीं किया स्कूल अपग्रेड करने का तो ये धरना अपना प्रदर्शन वही मुख्यमंत्री के सामने ही करेंगी और तब तक नहीं हटेंगी जब तक इनको रिटर्न में आश्वासन नहीं मिल जाएगा। जी श्याम हमारे साथ बने हुए श्याम, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है कि परसों भी रामविलास शर्मा की ओर से यह कहा गया था कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है, सरकार इस बात को मानेगी, 12वीं तक अपग्रेड किया जाएगा, आज फिर चेंज क्या हुआ है? सरकार ने आज ही ये कहा कि नोटिफिकेशन जारी होगा, सरकार आज ही ये कह रही है कि 12वीं तक जो है स्कूल को कर दिया जाएगा, फिर लिखित तौर पर देने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल, देखिए लिखित तौर पर इनको देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए सरकार को, जब रामविलास शर्मा जो शिक्षा मंत्री है प्रदेश के, उन्होंने आश्वासन अपग्रेड कर दिया जाएगा, तो जल्द अपग्रेड करने का मतलब सिर्फ आश्वासन, कोरा आश्वासन ही मिला है अभी तक, किसी प्रकार का कोई रिटर्न में इनको कोई भी आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया है, और तभी आज ये 8वां दिन लगातार है ये छात्राएं अपने धरना प्रदर्शन में बैठी है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस प्रकार कारगर सिद्ध होगा जब वो बेटियों की सड़क छाप मजनू से ही सुरक्षा नहीं कर सकती, गांव के अंदर शराब का ठेका खोल दिया गया। चलिए श्याम, फिलहाल इस जानकारी के लिए अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत होती है, जहां पर ये स्लोगन दिया जाता है कि एक बेटी पढ़ती है तो पूरी एक पीढ़ी पढ़ती है, वहां पर गांव की बच्चियों को स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठना पड़ा है। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।